हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग भाई आज क्या करने वाले हैं आज हम लोग एनिमल किंगडम के बेसिकली इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फर्दर क्वेश्चंस ठीक है भाई तैयारी मजबूत कर लो एंड साथ ही साथ प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ आप लोगों के बेटा स्कोर्स क्या होते हैं आफ्टर यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन इट इज रियली ग्रेट डेफिनेटली

सोचो सोचो हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन ये किस में मौजूद रहते हैं एयर ब्लाडर पॉइजन स्ट्रिंग बेटा अगर मैं गिल स्लिट्स की बात करूं इफ यू लुक एट योर सेकेंड ऑप्शन वेरी केयरफुली तुम्हारे साइक्लोस्टोम्स के केस में ठीक है तो ये मौजूद रहते हैं ठीक है साथ ही साथ लेट्स कम टू द हेटेरो सर्कल गॉडल फिन बेटा इफ यू लुक एट योर थर्ड ऑप्शन इसमें तुम्हारी कॉन्ड्रिक थीज के अंदर ठीक है नाउ एयर uh, ब्लैडर जो रहता है किस में मौजूद रहता है बेटा ये तुम्हारे ऑस्टिक थीज में मौजूद रहता है एंड लास्ट इज पॉइजन स्ट्रिंग इसे हम ट्राइगोन जो हमारी फिश है उसके साथ एसोसिएट करते हैं ठीक है ठीके? तो डी का हो गया फर्स्ट सो ए का टू योर ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर अगेन दिस इज ऑल मेन्शन इन योर एनसीईआरटी ये सारे फीचर्स तुम्हारे एनसीईआरटी में मौजूद है ठीक है तो इफ यू रीड योर एनसीआरटी प्रॉपरली विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन दैट कम्स ऑन द वे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भाई हमारे कॉडेट्स के रिगार्ड में ठीक है ये क्या कहता है यूरो यूरोडेट्स के अंदर हां जी जो है हेड टू टेल क्या करती है एक्सटेंड करती है और थ्रू आउट द लाइफ जो है वो मौजूद रहती है बेटा नोटोकॉड जो है ठीक है वर्टिब्रेट्स uh, के, के केस में ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान रहती है सेकेंड ऑप्शन अगर ध्यान से देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डोरजल है और होलो है

बेटा अगर मैं गिजर्ड की बात करूं ग्राइंडिंग का काम करता है क्रॉप की बात करूं तो जो खाना है उसको मॉइस्ट करके सॉफ्ट करता है ठीक है वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो तुम्हारे एव्स यानी बर्ड में मौजूद है नाउ इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो होमियोथर्म नहीं है ये पूछ रहा है होमियोथर्म क्या होता है होमियोथर्म बेटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर एबल टू तो रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इवन इफ आई मीन डिस्पाइट द फैक्ट बाहर क्या टेम्परेचर है क्या चेंज हो रहा है वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसे रेगुलेट कर सकते अब एक बात बताओ मैक्रोपस कैंगू का साइंटिफिक नेम है कैमेलस कैमल camel है हमारा और सिटैक्यूला बेटा हम बोलते हैं पैरट को ठीक है तो बर्ड्स और मैमल्स के पास तो ये एबिलिटी होती है कि वो होमियोथर्म्स हैं दे कैन रेगुलेट किलोन क्या है बेटा रेप्टाइल्स है ठीक है टर्टल्स हैं तुम्हारे ठीक है किलोन में आ जाते है किलोनिया ठीक है तो बी ऑप्शन जो है दे के नॉट रेगुलेट रेप्टाइल्स के नॉट रेगुलेट दे आर नॉट होमियोथर्म्स

किसके अंदर मौजूद होती है हेमिकॉडेट्स में भी मौजूद होती है ठीक है सो बी ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे ठीक है दैट इज समथिंग फैक्ट दैट यू आर रीडिंग एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है कॉडेट का मेन फीचर ठीक है तो बी ऑप्शन भाई हेमिकॉडेट में भी हमारे फैरिंग्स और गिल्सलेट जो है वो मौजूद होते हैं ठीक है ठीके? तो फिफ्थ का बी इज द करेक्ट आंसर विच अमंग दीज इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स इस तरह के क्वेश्चन में प्लीज पूरे ऑप्शन के एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम ध्यान से पढ़ना देखो अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है ट्राइगोन इट इज माई फिश अगेन ट्राइगोन इज अ फिश ठीक है डॉग फिश स्कोलियोडॉन तुम्हारी शाख ठीक है ठीक है शाख हो गई ट्राइगोन हो गई ये दोनों की, तीनों के की, तीनों क्या है दे आर ऑल फिशेस तुमसे वो पूछ रहा है एक्वाटिक मैमल्स अब क्लियर हो गया तीन ऑप्शन तो यहीं पे हट गए बी ऑप्शन भाई वेल है डॉल्फिन है और सील्स है तीनों के तीनों क्या है एक्वाटिक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हाँ जी इनमें से कौन सा ऑर्डर है मेरे हॉर्स का ठीक है भाई हॉर्स है ठीक है अगर हॉर्स के ऑर्डर की बात करें सबसे पहले पेरिजोडिक्टाइला क्या ये है या फिर कैबेलस है या इक्विडे है या फेरस है बेटा फेरस जो है दिस इज बेसिकली रेफरिंग टू द स्पीशीज हम इक्वस बोलते हैं किसको हॉर्स को ठीक है तो फेरस उसकी एक तरह की स्पीशीज होती है डे डी -ए, ए देखते ही ध्यान आ रहा है फैमिली पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में हमने ठीक तो है तो इक्वी डे है बात करूं बेटा कैबेलस इज अ टाइप ऑफ सब स्पीशीज ठीक है पेरिजोडेक्टाइला जहां पर हम कहते हैं ठीक है ऑर्डर है पेरिजो जहां हम कहते हैं ऑर्ड अंगुलेट्स ठीक है तो बेसिकली हॉर्स का जो पेरिजोडेक्टाइला है वो उसका ऑर्डर है ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर वेरी मच एक्सपेक्टेड टू कम दिस टाइम एक्सपेक्टेड है ठीक है बट वी विल प्रिपेयर वट एवर कम्स ऑन अ वे वी है एनसीआर अच्छे से पढ़ी है ठीक है राइट देर पेन एंड पेपर अपने स्कोर्स चेक करो

साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉ ओके हमें पता है कहां आते हैं हमारे साइक्लोस्टोम एग्नाथा में आते हैं एग्नाथा मीन नो जॉस ठीक है अनपेयर्ड फॉट पोजेस तो दिस इज अबसेलूटली अनपेड फिन्स जो होते हैं साइक्लोस्टोम्स में मौजूद होते हैं यही हमें पता चल गया चलो आगे के दो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं लेट सॉल्व दे रेपटाइल सबके पास थ्री चेंबर्ड हार्ट है अच्छा भाई अपना क्रोकोटाइल कहां जाएगा हम्म hmm, क्रोकोडाइल के पास कितने चेंबर्स होते हैं चार चेंबर्स होते हैं तो हो गया स्टेटमेंट गलत ठीक है देन ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम एक बात बताओ ओपरक्यूलम तुमने एनसीईआरटी में क्लियर कट पढ़ा है किसमें ऑस्टिक थीस के अंदर तो अगर मैं ऑल पाइसेस सारी फिशेस की बात कर दूं हो गया स्टेटमेंट गलत सिर्फ एक uh, काइमेरा के अंदर

नॉट शेयर्ड है हा नॉट शेयर्ड है ध्यान देना ठीक है अगर मैं बात करूं तुम्हारे, तुम्हारे वॉर्म ब्लडेड नेचर की दोनों में मौजूद होता है बिल्कुल मौजूद होता है ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है दोनों में मौजूद होता है देन ब्रीद यूजिंग लंग्स ठीक है तो तुम्हारा जो वीवी पैरिटी है दैट इज नॉट शेयर्ड बाय ऑल ऑफ देम ठीक है मतलब जनरली दोनों के दोनों शेयर नहीं करते के अंदर हमारे पास एक है, दो, एकेडेमा ठीक है चलो ए ऑप्शन following characteristic feature? फीचर जी, किसके लिए भाई corresponding ग्रुप ऑफ एनिमल है ये फीचर दिया है और ये अपने

क्रोको के केस में ठीक है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन अगर मैं बोलू कॉन्ड्रिकीज में दिस इज अ वेरी फीचर ठीक है कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं तो कार्टिलेजनसकेटन डिफाइनिंग फीचर है, है तो आंसर तो खैर मुझे मिल गया है ठीक है वी वी पता है मैमलिया अपने दो मैमेलिया है एकदम जबरदस्त है मैमल्स हैं प्लेटेपस है अपना डग बिल्ड ठीक है और साथ ही साथ साथ एक्डिना है तो वो दोनों के दोनों एग्लेंग है ठीक है तो दैट इज एन एक्सेप्शन ठीक है तो आंसर इज सी ऑप्शन ध्यान देना इस क्वेश्चन में दो वर्ड्स पर एमो सीट लार्वा और जॉलेस फिश ठीक है क्या बोल रहा है ये कह रहा है भाई हमारी जॉलेस फिश है ठीक है एग ले कर रही है फ्रेश वाटर में जहां पर एमो सीट जो है मेटामोसिस के बाद नाउ इन बुक यू हैव रेड दिस फीचर ऑफ यू नो देन लार्वा कमिंग बैक टू द है जब आप पढ़ रहे हैं ठीक है अपनी एनसीआर दिस फीचर इज देयर ठीक है बट ओके आई एक्सेप्ट एमोसिट लार्वा एक चीज बता देती हूँ अगर पेट्रोमाइजोन जो होता है आधा आंसर तो मैंने तुम्हें यही बता दिया पेट्रोमाइजोन के लार्वा को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं एमोसिट बोलते हैं ठीक है तो एक हिंट तो मैंने दे दिया अब आंसर तो तुम्हें पता चली गया ठीक है एग्नाथा के अंदर अपने पेट्रोमाइजोन ठीक है अपना साइक्लोस्टोम है या फिर लानप्रे बोलता है कॉमन नेम की तरह से ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर उसके लार्वा को एमोसिट लारवा बोलते हैं दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन लेट सी तुम्हारे यू नो फिशेज साइक्लोस्टोम एव्ज और मेमीरिया चारों एक साथ टेस्ट होंगे चलो आ जाओ साइक्लोस्टोम के अंदर सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ होता है ट होते हैं इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल होते हैं पेयर्ड होते हैं के अंदर सबसे पहले पेयर्ड देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अरे मैम ये तो अनपेयर्ड होते हैं ठीक है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आ जाओ नेक्स्ट में एव्स के अंदर बॉडी में फेदर्स हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फेदर्स होते हैं एव्स में स्किन मोइस्ट होती है यार स्किन जो होती है ठीक है सम बट टुवर्ड्स ड्राई होती है और दूसरा ये कह रहा है ग्लैंडुलर यार देखो ग्लैंडुलर की बात अगर करें तो इतने ग्लैंड मौजूद नहीं होते हैं जस्ट एक टेल के बेस पर एक ऑयल ग्लैंड जो होता है ये yes, डेफिनेटली वो जरूर मौजूद है लेकिन अगर मैं ओवरऑल ग्लैंडुलर स्किन की बात करूं कि भाई बहुत सारे ग्लैंड है ऐसा बर्ड्स के केस में नहीं होता है ठीक है तो ये ऑप्शन यहीं पर ही रॉन्ग हो जाता है अपना लंग्स और एयर सैक तो रहते हैं ठीक है मेमेलिया पे आते हैं टू पेयर ऑफ लिम्स है पिन्ने हैं एंड मेमोरी ग्लैंड है सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मौजूद है लेकिन देखो प्रोटोथिरियंस हम एक सब क्लास के बारे में बात करते हैं मैमल्स के अंदर किसके बारे में बात करते हैं प्रोटोथिरियंस के बारे में ये जो प्रोटोथिरियंस हैं इनमें किसी भी तरह का देयर इज नो पिन्ना प्रेजेंट ठीक है इसमें तुम्हारे जो प्लैटिपस हैं अपने और एकिडिना जी हैं वो इसी के अंदर आते हैं प्रोटोथिरियन है ठीक है तो इनमें पिन्ना जो है

कॉन्ट्रिक थी इसके केस में ठीक है तो यहां तुम्हारा कामेरा जो है वो एग्जाम्पल आ गया क्योंकि कायमेरा के अंदर ओपर क्यूलम जो है वो मौजूद हो तो अगर तुम चारों ही ऑप्शन को देखो देर इज नन ऑफ देम विच इज राइट ठीक है सो जनरली या तो क्वेश्चन कुड हैव बीन जहां पर खैर इनकरेक्ट भी होता तब भी हमारे पास चार ऑप्शन नहीं होते तो क्वेश्चन कुड हैव बीन फ्रेम्ड इन अ बेटर वे ठीक है वुड इट्स अ गुड क्वेश्चन ठीक है बट सर्टेनली हमारे चारों ही ऑप्शन जो है वो गलत है ठीक है आई हैव जस्टिफाइड कि किस वजह से गलत है बट वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बींग आस्ट ठीक है तुम्हारी चार चीजों को कवर किए है, हुए हैं सारे मेन फीचर्स तुम्हारे सामने हैं ऑलमोस्ट आधा यू नो यही रख दिया है स्क्रीन पर ठीक है सो एनी हाउ टू दिस क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल हैव वन आंसर टू एवरी क्वेश्चन बी आस्ट टू यू डोंट वेरी ओके स्कोर्स बन रहे हैं गलती हो रही है कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ कितने सही कितने गलत

ट्राइगोन की अगर मैं बात करूँ तो स्टिंग रे बोलते हैं बेटा टोर्पीडो स्कोलियोडॉन इज बेसिकली योर डॉग फिश ठीक है टॉर्पीडो की अगर मैं बात करूं ये क्या करता है ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को रिलीज करता है और नियर बाय जो प्रे होता है ठीक है दैट गेट्स स्टन विद इट ठीक है तो वो सम वट इट गेट्स पैरालाइज तो दिस हेल्प्स दीडो टू कैच इट्स प्रे ठीक है तो फिशेस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म क्लास टॉर्पीडोन के फीचर पूछ रहा है हमें तो पता है हमने जबरदस्त तरीके से पढ़ी है बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन यार मॉइस्ट स्किन होती है ड्राई स्किन होती है ड्राई स्किन होती है ठीक है तो ये ऑप्शन तो आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है ठीक है डिवॉइड ऑफ स्किन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ठीक है फ्रेश वॉटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन

बेटा दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है डी ऑप्शन को देखो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है बिल्कुल है स्केल्स ओवर द बॉडी एपिडर्मल है एक्जैक्टली exactly. और किसी भी तरह का पिन्ना जो कि एक मैमिलियन फीचर है वो मौजूद नहीं है ठीक तो right. है तो डी ऑप्शन ठीक है रेप्टीलिया राइट शार्क्स एंड डॉग फिशेस स्केट्स और रे से ओके हमने ये चारों नाम कहा पढ़े हैं फिशेज में पढ़े हैं ठीक है थीके?

ठीक है दैट्स हाउ द बॉडी इज ठीक है तो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है और इनके जो पेक्टोरल फिन होते हैं ठीक है दे आर प्रेजेंट इन एन ठीक है दैट इज द शेप इफ यू लुक एट अ स्केट और अ रे ठीक है तो जो डी ऑप्शन है कि इनके पेक्टोरल फिन जो है बहुत डिस्टिंक्टली मार्क्ड है ठीक है कहां से इनके सिलिंड्रिकल बॉडी से जस्ट यू नो दे आर सीन दे आर वेरी डिस्टिंक्ट ठीक है ठीक है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हांजी फीचर दिया हुआ है और क्या दिया है अपने कॉम्बिनेशन ठीक है देखो एक अप्लाई हो सकता है हो सकता है दूसरा ऑप्शन जो है हो सकता है टेरोपस अप्लाई हो और एनकस ना हो लेट्स सी पॉसिबल इस दोनों के दोनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना ठीक है वेन एवर यू रीड नाउ टेरोपस एंड ऑर्निथोर एनकस वीवी पैरिटी बेटा ऑर्थोर एनकस इज नथिंग बट योर डग बिल्ड Platypus, क्या करता है? नहीं है एग ले करता है ठीक है गार्डन डिजर्ट एंड क्रोकोडल के पास तीन नहीं चार चेम्बर होते हैं and दोनों दोनों कोई सेगमेंटेशन नहीं दिखाते हैं सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश एप्सलूटली फिशेज है कोल्ड ब्लडेड है ठीक है तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन स्ट्रेस देना इस बात पर डिस्क्रिप्शन सही हो ऑर्गेनिज्म सही हो और एक्सेप्शन मौजूद ना हो तो देखो एक्सेप्शन की महिमा एक्सेप्शन लर्न करना कितना जरूरी है दिस इज हाउ दे आर इन द क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं रेप्टाइल्स के पास सबके पास थ्री चेंबर्ड हार्ट स्टेटमेंट यही गलत हो गया बिकॉज अपने क्रोकोडाइल के पास चार चेंबर मौजूद होते हैं आ जाओ बोनी फिशेस के अंदर चार पेयर होते हैं गिल्स के एक ओपर क्यूलम होता है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है स्पॉन्जेस सारे मरीन नहीं होते हैं हमारे पास एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जिसे हम स्पॉन्जिला बोलते हैं मैमल्स सारे विविपेरस नहीं होते हैं एग्जाम्पल दो एक्सेप्शन है प्लेटेफस के और स्पाइनी स्पाइन के जो एग्लेंग राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन अब इनमें से किनको देखोगे अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है सेक्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन भाई मेल है या फीमेल है फीमेल स्कैरस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड मेल के केस में शार्पली कर्व होता है फीमेल के केस में होता है मेल के केस में होता है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है मेल के केस में पोस्टीरियर एंड कर्व होता है मेल स्मॉलर होता है साइज में फीमेल लार्जर होती है ठीक है मेल में एंड मेल फ्रॉग अ पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिंब नो फोर लिंब में मौजूद होते हैं ये कोप्यूलेटरी पैड ठीक है वेंट्रल साइड पर पहली फिंगर के फोर लिंब के ठीक है मौजूद होते हैं फीमेल कॉकरोच के केस में एनल सरसाए बेटा एनल सरसाए फीमेल के केस में नहीं मेल और फीमेल दोनों के केस में मौजूद होता है ठीक है लेकिन अगर तुम मेल छाक को देखोगे यस पेल्विक फिन पर क्लासपर्स की मौजूदगी होती है ठीक है दैट इज अ ग्रेट पॉइंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ठीक है तो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डन ये कितने जनों का सही था नाउ दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ठीक है इसमें क्या करना है अगेन मैच करोगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने पर्टिकुलर क्लास के साथ ठीक है और एक्सेप्शन याद रखना काम आने वाले हैं ठीक है चलो रेप्टीलिया पोजेस्ड अ थ्री चेंबर हार्ट क्रोकोडाइल फोर चेंबर ठीक है कॉडेट के केस में क्या है अपर माउथ एंड लोअर माउथ बेटा कॉडेट के केस में जॉर्ज ऑलिस दोनों होते हैं कॉन्ट्रिक थीस के पास राइट थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि दैट इज देयर एंड मैमिलिया के केस में प्लेटोपस अगेन एगलिंग ठीक है चलो ट्वेंटी uh, क्वेश्चन है तुम्हारा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है टोटली रॉन्ग अबाउट ऑकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड भाई नोटोकॉर्ड जो है तीन स्टेटमेंट सही है एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है किसके रिगार्ड में है? चारों नोटोकॉर्ड के रिगार्ड में है पहला प्रेजेंट इन लार्वल स्टे आ, सिर्फ लार्वल टेल में मौजूद होता है रिप्लेस बाय कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग ओके ठीक है उट द लाइफ इन ह्यूमस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बेटा एक चीज याद रखना इवन इफ नोटोकॉर्ड है तो देर मस्ट बी ट्रेस दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड तो इट इज एबसेंट कहना इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है तो सी यही रॉन्ग है एम्फियॉक्सिस के अंदर येस थ्रू आउट लाइफ मौजूद रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका ऑर्गेनिज्म का करेक्टली उसके सामने जो मौजूद है ठीक है Humans के केस में किडनी सिबेशियस सीबम कहां से निकलता है ह्यूम में सिबेशियस ग्लैंड से जो स्किन को लुब्रिकेट करने का काम करता है तो ये जो सिबेशियस ग्लैंड है ये एक्सक्रीशन का, का काम नहीं करता है ऑप्शन यहीं पर ही गलत है किडनी डेफिनेटली करती हैं सिबेशियस ग्लैंड नहीं करते ऑर्थोम और तुम फेरेंजियल इंटेग्यूमेंट्री सेप्टल नेफ्रीडिया बिल्कुल करेक्ट है तीन तरह के नेफ्रीडिया हैं नोट कर लो फेरेंजियल इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया ठीक है कॉकरोच के केस में

सोलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा सॉलिड जो होता है वो में नहीं होता है इट्सिंगलिड फीचर इज एबेंट ठीक है देखो ठीक है क्रोकोडाइल जो होता है क्रोकोडाइल इज हाँ, penguin, whale and इन में से कौन से जो है बेटा वो तुम्हारे जॉलेस फिशेज है मैकेरल रोहू लैम्प्रे है बी ऑप्शन ठीक है दैट इज गोइंग टू बीनाथा के अंदर दोनों के दोनों आते हैं जॉलेस फिशेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रेप्टिलियन इंसेस्ट्री भाई हमारे रेप्टाइल से निकल के हमारे बर्ड्स आए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है दैट डिस्क्राइब्स इट बेस्ट फोर चेम्बर्ड हार्ट है स्केल्स uh, है ओके दो चेंबर है क्रॉप एंड क्रॉप एंड गिजर्ड इज वेरी स्पेसिफिक फॉर बर्ड एग्स विद कैलकेरिया शेल बेटा जो स्केल्स हैं हाइंडलिम्प पर देखो बर्ड्स के केस में उनके जो लोअर पार्ट है लाइक लाइक लेट सपोज उनकी जो फीट uh, है ठीक है वहां पर कुछ एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं सो दे समुड रिजेंबल द स्केल्स दैट आर प्रेजेंट इन द रेप्टाइल्स ठीक है तो स्केल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द हाइंड लिम्स ठीक है दे शो रेप्टिलियन इंसिस्ट्री किसकी अपने बर्ड्स की कॉमन क्या है पैरेट प्लैटिपस और कैंगरू के बीच में टूथलेस जॉ है पोस्टनल टेल है पैरेट बर्ड है प्लैटिपस मैमल है कैंगरू मैमल है होमियोथर्मी है ठीक है डी ऑप्शन देख रहे हो ठीक है जस्ट करेक्ट सोल्व कराए गुड ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कौन सा कैरेक्टर टिपिकली ठीक है जो एकदम अपने मेजर वाले क्लास मेमिलिया के फीचर है वो नहीं है है एल्ड्यूलर लंग्स है सेवन सर्विकल बट है टिपिकल फीचर होता है यस yes. ठीक है क्रेनियल नर्व कितने पेयर होते हैं बारह पेयर होते हैं कितने दिए टेन दिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट वर्ड ओके मतलब करेक्ट आंसर क्योंकि not typical पूछा है. है. ठीक के अंदर क्या गिल्स की मौजूदगी होती है किसका टेडबोल है भाई? का है. है. है? ठीक ये क्या indicate करता है? पहला भाई फिशेस एम्फीबियस थी फिशेस फ्रॉग लाइक एंसेस्टर से आई थी फ्रॉग्स जो है उनके पास गिल्स होंगे ये बताएगा भाई इनके उनके फ्यूचर का या फिर फ्रॉग्स जो है भाई कहाँ से निकल के आए हैं गिल्ड से यानी ऐसे एंसेस्टर से निकल करके आए हैं जिनके पास गिल्स जो है उसकी मौजूदगी थी एग्जैक्टली ठीक है डी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर कि गिल्ड एंसेस्टर्स रहे होंगे और फ्रॉग्स उनसे फर्दर निकल के आए होंगे तो जो फ्रॉग का टेडपोल है ठीक है जो उसके डेवलपमेंटल स्टेज में इनिशियली टेडपोल जो है ठीक है that still has presence of some gills ठीक है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइ यूनिक फीचर है किसका मेमिलियन बॉडी का होमियोथर्मी डाइफ्रम फोर चेम्बर्ड हार्ट रिबकेज रिबकेज बर्ड में मौजूद होता है होमियोथर्म्स होते हैं चार चेम्बर्ड हार्ट तो ए सी और डी ये चारों के तीनों के तीनों किसमें बर्ड्स में भी मौजूद हैं तो दे मे नॉट बी अ यूनिक फीचर क्वेश्चन में वेरी यूनिक डाइफ्रम थोरासिक और अपडामिनल कैविटी को सेपरेट uh, करने वाला बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट इनमें से कौन सी कहाँ प्रेजेंट है में. Again, NCRT, से आया, बेटा सारे कॉडेस के अंदर ठीक है ए ऑप्शन नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्री बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो इनिशियली सभी में होगा ठीक है लेटर द चेंजेस में भी सीन इन डिफरेंट ग्रुप्स ठीक है ऑप्शन क्लीवेज किसके केस में मैमल्स केस में बेटा क्लीवेज क्या है देखो बेसिकली में जाता है ठीक है और ये सारी कहानी तब हो रही है डेवलप ठीक है तो दीज आर लाइक दे आर द डिफरेंट नंबर ऑफ डिविजन ठीक है सीक्वेंस है बहुत सारे डिविजन का ठीक है uh, अगर ऑप्शंस में जाओगे ठीक तो, है तो होलोब्लास्टिक जो टर्म है ठीक है एंटायरली एग के बाइसेकट को होने को ठीक है हम कहते हैं होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज ठीक है cleavage, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ द ह्यूमंस होलोब्लास्टिक इन केस ऑफ द मैमल्स ठीक है बेसिकली होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज इज सीन ठीक है सुपरफिशियल जनरली जो सी ऑप्शन है जो सीन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोर्ट रेप्टाइल्स और यू नो बर्ड्स के केस में जो डिस्कॉइडल है ठीक है? तो योर ए ऑप्शन इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से कैरेक्टर जो है हैं इन ऑल द कॉडेट्स डाइफरम सिलोम बेटा अगर डायफ्रम को ध्यान से देखो ठीक है ए ऑप्शन दिस इज प्रेजेंट इन ऑल कॉडेट ठीक है ऑल कॉडेज मीन डाइफ्रम मीनसिया के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है प्लेटिपी पेरस है बहुत बढ़िया पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें पता है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो ए मार्क कर लेते हैं द रेस्ट ऑप्शन आर रॉन्ग ठीक है मैमिलिया नेक्स्ट एक्वाटिक रिप्टाइल्स जी एक्वाटिक रिप्टाइल्स भाई पानी में होंगे पानी में यूरिया तुमको पता है कि यूरिया से यूरिक एसिड ठीक है जब टेरेस्ट्रियल अडेप्टन में ऑर्गेनिज्म जाता है तो जनरली यूरिक एसिड का प्रोडक्शन देखा जाता है ठीक है तो अगर मेरा रेप्टाइल पानी में है एक्वेटिक है यूरियोटेलिक होगा कहाँ ठीक है तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर यू मे नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बट दैट्स ओके नाउ दैट यू स्टडी यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व ठीक है हाउ टू हैंडल क्वेश्चन हाँ जी टेम्परेचर चेंज हुआ एनवायरमेंट में अफेक्ट कर गया मेरे एनिमल एनिमल को वार्म so, ब्लडेड होगा homeothermic होगा नहीं होगा एक्वाटिक इज अ जनरल हैबिटेट फीचर डेजर्ट इज अगेन हैबिटेट ओइकिलोथर्मिक ठीक है ए ऑप्शन भाई अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स

गुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किसके अंदर लॉन्ग बोन्स होती हैं हॉलो होती हैं एंड ये बेसिकली एयर पैसेजेस की मदद से कनेक्टेड है ठीक है दे आर कनेक्टेड बाय वेरियस एयर पैसेजेस किसका फीचर है एक वर्ड है न्यूमैटिक बोन्स ठीक है न्यूमैटिक बोन्स बेसिकली क्या है हॉलो बोन्स होती है ओवरऑल बर्ड के बर्ड uh, को फ्लाई करना है ठीक है तो बॉडी जितना लाइट रहेगा उतना अच्छा है ठीक है बिकॉज अगेंस्ट यू नो उड़ने के लिए योर द बर्ड इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी ठीक है तो जितना बॉडी लाइट रहेगा तो हॉलो बोन्स जनरली या न्यूमैटिक बोन्स हम बोलते हैं मौजूद होती हैं किसमें एव्स के अंदर अपने बर्ड्स में ठीक है लोअर जॉ इन मैमल्स जी लोअर जॉ किससे बना है डेंट्री बोन मैक्सिला बोन एंगुलर से या मैंडेबल से बेटा दिस इज अगेन अ वेरी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लोअर जॉ है बहुत स्ट्रॉन्ग बोन है Mandible है, है, ठीक फेस की सबसे बोन है ठीक है, और ये जो है ये क्या करती है ये लोअर बनाती है मामल्स के अंदर नाउ इनमें से कौन सा सेल देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया मेल हार्मोन, तुम एंडोक्राइन सिस्टम के एक्सपर्ट हो सारे के सारे ठीक है आंसर बताओ इनमें से कौन सा सेल जो है टेस्टिस में है लेकिन की, जो सिक्रीट करेगा मेल हॉर्मोन एपिथिलियल सेल्स पोमेटोसाइट लेडिक या सर्टोलाइ बेटा लेडिक या अपने इंडस्ट्रीशियल सेल्स जो होते हैं ठीक है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेल हॉर्मोन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमैटिक बोन अभी मैंने बताया किसमें मौजूद है बर्ड में ऑप्शन देखो वेल रैना शार्क बर्ड है ठीक है न्यूमैटिक बोन ठीक है विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग

लास्ट ऑप्शन तो तुम देख के ही पहचान जाओगे विंटर होती है डॉर्सल होती है हो गया स्टेटमेंट गलत ठीक है डॉर्सल होता है ठीक है तो मोल्टिंग के थ्रू अंडरगो नहीं करते हैं मैमल्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर गोरिला चिंपांजी मंकी और ह्यूमन हां जी स्पीशीज सेम फैमिली सेम जेनस सेम या ऑर्डर सेम बेटा ऑर्डर है अपना सारे के सारे क्या है प्राइमेट्स हैं या प्राइमेटा जो है ऑर्डर है ठीक है प्राइमेट्स है चारों के चारों ठीक है तो सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं नाउ इनमें से क्या कॉमन है भाई किसके बीच में वेल बैट और रैट के बीच में नेक जो होती है वो एबसेंट होती है सोचो सोचो मस्क्यूलर डाइफ्रम होता है थोरैक्स और ऑब्डोमिन के बीच में एक्स्ट्रा अबडोमिनल टेस्टिस होते हैं या फिर प्रेजेंट ऑफ पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर होते हैं बेटा बी ऑप्शन मैमल के अंदर कैरेक्टरिस्टिकली मस्क्यूलर डाइफ्रम इज मौजूद ठीक है इट्स अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर तीनों में मौजूद हो ठीक है नेक्स्ट साउंड बॉक्स कहाँ पर अपने बर्ड्स के अंदर अपना साउंड बॉक्स नहीं बर्ड का साउंड बॉक्स ठीक है पाइगोस्टाइल कहते हैं लैरिंग्स कहते हैं साइरिंग्स कहते हैं या सिंसैक्रम बोलते हैं बेटा साइरिंग्स जो होता है सी ऑप्शन ठीक है बर्ड्स का साउंड बॉक्स कहलाता है ठीक है जो भी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ठीक है हमारे अंदर मौजूद नहीं है प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली इन केस ऑफ द राइट एट द बेस ऑफ द ट्री क्या जहां पर ब्रोंकाई के साथ ज्वाइन करने वाला है दिस साइरिंग प्रेजेंट ओवर ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर एगलिंग मैमल याद हो गया है अब तो मैम हमें ठीक है याद हो गया है मैम अब तो हमें किडनी ऑफ अडल्ट रैबिट बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चन ऑल्दो दे आर नॉट मच पार्ट ऑफ योर एनसीआरटी इट्स नॉट बींगशन द चांसेस ऑफ गेटिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी लीस्ट ठीक है डोंट यू डू आर नॉट गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन पास्ट में आया है वी आर सॉल्विंग इट लेट्स सोल्व इट अडल्ट रैबिट के केस में प्रोमीजोमेटा ऑफिस्तो ने किस तरह का ये जो प्रो नेफ्रोज मीजो नेफ्रोज मेटानेफ्रोस ऑपिस्थो बेटा वेन वी स्टडी द एम्ब्रियोनिक यू नो एम्ब्रियोनिको के दौरान किडनी के डेवलपमेंट को ठीक है थ्रू वेरियस स्टेजेस यू नो इट गोज अक्रॉस ठीक है अगेन अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जनरली मेटानेफ्रोस जो है ठीक है मैमल्स के केस में ठीक है राबर्ट ठीक है तो बर्ड्स और मैमल्स के केस में मेटानेफ्रोस इज प्रेजेंट बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नीड नॉट गो इन डिटेल ओके डोंट वरी डोन्ट व्यूथिरियंस जी ियंस पहले तो यूथीरियंस होते कौन है ये सोचो यूथीरियंस आर कैरेक्टराइज बाई हेरी स्किन ग्रैंड बेटा हम लोग क्या करते हैं यू नो व्हेन वी स्टडी मैमल्स ठीक है वी डिवाइड देम जनरली इनटू फॉर द डिविजन हम देखते हैं प्रोटोथीरिया और थीरिया के अंदर सब क्लासेस हैं दो ठीक है सब क्लासेस अंडर थीरिया वी जनरली रीड अबाउट यूथीरियंस फॉर द डिविजन ठीक है एंड मेटाथीरिया ठीक है तो जो यूथीरिया होते हैं ठीक है इनके अंदर प्लेजेंटा बहुत वेल डेवलप्ड होता है ठीक है विविपैरस होते हैं होते है, किसी तरह के कोई पाउचेस जो है वो मौजूद नहीं रहते हैं तो अगर तुम फीचर देखो ट्रू प्लेजेंटेशन इट इज अ वेरी कैरेक्टर वेल डेवलप्ड प्लेजेंटा यूथीरियम ठीक है नेक्स्ट विश बोन ऑफ द बर्ड्स इज फ्रॉम भाई बर्ड्स के अंदर मौजूद होती है विश बोन ये विश बोन कहां से आती है पेल्विक गर्डल गर्डल स्कल लिम्स पेक्टोरल ओब्लिक क्लैविकल्स देखो बेटा विशबोन जो होती है डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर विशबोन को फर्क्यूला भी कहा जाता है फर्क्यूला ठीक है ये फर्क्यूला क्या है ये विशबोन कहलाती है और ये क्लैविकल्स के फ्यूजन की वजह से बनती है ठीक है अगेन अ फैक्ट बेस्ड थिंग डी ऑप्शन करेक्ट आंसर फ्लाइट मसल बर्ड की कहां अटैच होती है हां जी क्लैविकल्स स्कैपुला कील या कोरोड बेटा जो कील ऑफ स्टर्नम है ठीक है बी ऑप्शन वहां अटैच होती है ठीक है नेक्स्ट है आपका अकॉर्डेट कैरेक्टर इज गिल पोस्ट एनल टेल स्पाइरेकल काइटेनस स्केलेटन यार अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं पोस्ट एनल टेल सी ऑप्शन दिस इज अकॉर्डेट कैरेक्टर ठीक है नेक्स्ट फिशेज विच कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ चुके हो ये ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है गैम्बूजिया ठीक है इनको यूज करते हैं किस पे लारवीवोरस होती है मस्कीटो के लार्वा पे फीड करती है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हेयर अकर इन ऑल मैमल्स जी रॉडेंशिया में कारोप्ट्रा में प्राइमेटाम सिटेसी में सिटेसी के अंदर सिटेसी में कौन आती है वेल्स जाती है अपनी डॉल्फिन आती है अपनी इनके अंदर किसी भी तरह का कोई हेयर जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैम मैमिलियन फीचर है ये एबसेंट रहता है ठीक है तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर

एंड राइट एट द सेंटर इट्स अ राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर ठीक है तो इस तरह का जो हेटेल uh, वोटिब्रे उसका जो सरफेस होता है ठीक है वो कुछ कुछ ऐसा लगता है ठीक है ताकि आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहे और सैडल शेप्ड होता है जनरली खैर एनी हाउ नी डोट वरी ठीक है हेटेसिलस होती है ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नेक्स्ट फीट ऑफ द किंग फिशर आर मॉडिफाइड फॉर वेडिंग पर्चिंग रनिंग या कैचिंग देखो परिंग बेसिकली क्या है टू मूव फॉरवर्ड एंड टू क्लिंग दैट इज इज इंपॉर्टेंट फॉर किंग फिशर ठीक है तो जनरली वी से क्लिंगिंग टाइप या हम उसे वेरी क्लोज टू दैट इज योर परचिंग करने का जो uh, बैठने का हैबिट uh, है टू परच एंड टू सिट ऑन अ ब्रांच और एट सम प्लेस ठीक है तो पर्चिंग वुड बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट मेल एंड फीमेल पिजन जो होते हैं मिल्क को सेक्रेट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्रॉप स्वेट ग्लैंड गिजर्ड बेटा क्रॉप से ठीक है देयर इज दिस न्यूट्रिटिव मिल्क दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड जो कि रिगर्जिडेट करके यू नो द जो पेरेंट है वो यंग बर्ड को बेसिकली पिलाते हैं ठीक है तो क्रॉप सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टिफ्लोब्स अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली ब्लाइंड स्नेक है फ्लोप्स इज अ नेम ऑफ अ जेनस जो कि ब्लाइंड स्नेक्स को दिया जाता है अफ्रीका में एशिया में साउथ अमेरिका के अंदर यू नो दीज स्नेक्स आर बींग फाउंड ठीक है नेक्ट्यूरस अगर मैं बोलूँ बेटा नेक्टरस इज वर्ड ये बेसिकली एक एम्फीबियन है मर्ड पपी जो है ये इसका कॉमन नेम है ठीक है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फायर बेलीड टोड एम्फ्यूमा नेक्ट्यूरस बॉम्बीना या सेलेमेंड्रा बेटा बी ऑप्शन जो है बॉम्बीना ठीक है दैट इज द जेनस दैट इज एसोसिएटेड बेसिकली किसके तुम्हारे फायर बेलीड टोर्स जो है उनके साथ ठीक है बी ऑप्शन बॉम्बीना ठीक है एंड इनमें से कौन सा जो है ट्रू एम्फीबियन एलिमेंट नहीं है ऑप्शन देखो सैलिमेंडर भाई एम्फीबियन होता है टोड एम्फीबियन होता है फ्रॉग एम्फीबियन होता है टॉटाइस क्या है Reptile है एम्फीबियन नहीं है ठीक है तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर एंड वी आर डन विद द पीवाईक्यूज स्कोर्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी लुकिंग एट योर स्कोर्स एंड आई रियली होप दे गेट इम्प्रूव्ड बाय एवरी डे एंड एवरी सेकेंड ठीक है ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड पूरे इंथुजियाजम के साथ एकदम पढ़ाई में जुट जाओ एंड डू वेरी वेल इन ऑल द सेशंस दैट यू प्रैक्टिस ओके फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट एंड डू वेल